नमस्ते दोस्तों, कैरफा पेट्स पर आपका फिर से स्वागत है। सो दोस्तों, फाइनली आपने अपना इगुआना ले लिया होगा, बट अभी आप सोच रहे हो कि इसे खिलाना क्या है, इसके डाइट में हम इसे क्या दे सकते हैं। तो दोस्तों टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आज हमारा टॉपिक वही है। डाइट पे बढ़ने से पहले हमें जानना होगा कि इगुआना किस तरह का एनिमल है। तो दोस्तों इगुआना एक हर्बीवोरस एनिमल है। हर्बीवोरस कैटेगरी में फुलवर कैटेगरी में आता है, जो सिर्फ लीव्स और फ्लावर्स पर फीड करते हैं। हर्बीवोरस मतलब एक बहुत बड़ा कैटेगरी आता है, उसमें सारे प्रकार के एनिमल्स आते हैं जो प्लांट्स खाते हैं। एक चीज हमेशा याद रखना चाहिए कि इगुआना को कभी भी प्रोटीन बेस्ड डाइट नहीं देना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन उनके बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा टफ हो जाता है। उनको हमेशा फाइबरस फूड देना चाहिए। और एक चीज दोस्तों, उनको फूड जिसमें ऑक्सैलिक एसिड है वो अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों इतना मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब सीधा पॉइंट पे आते कि आप अपने इगुआना को क्या खिला सकते हो। दोस्तों सबसे पहले लीव्स देखेंगे हम। लीव्स में दोस्तों आप उन्हें मस्टर्ड ग्रीन्स, हिबिस्कस लीव्स, रोज लीव्स, ओरिएंडर, अल्फा अल्फा, ये सारे लीव्स खिला सकते हो। अब आप सोच रहे होगे कि फ्लावर्स में हम उन्हें क्या खिला सकते हैं। फ्लावर्स में भी आप उन्हें हिबिस्कस फ्लावर, रोज फ्लावर, मारीगोल्ड फ्लावर, कार्नेशन फ्लावर और डैंडेलियंस खिला सकते हो। और एक चीज़ दोस्तों, आप आपके इगुआना को वेजिटेबल्स भी खिला सकते हो। सो वेजिटेबल्स में हम इगुआना को पीट पम्पकिन खिला सकते हैं, जुकीनी खिला सकते हो आप, टमाटोज, जुकीनी मतलब तुरई, टमाटोज, फिर आप क्यूकम्बर खिला सकते हो, बट क्यूकम्बर के सीड्स निकाल के देना। और दोस्तों फ्रूट्स में आप आपके इगुआना को मैंगोज, पपयाज, एप्पल, ग्रेप, स्ट्रॉबेरीज, रास्पबेरी और मेलन्स भी खिला सकते हो। अब दोस्तों डाइट के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे जाते हैं, ये डाइट का प्रपोर्शन कैसा होना चाहिए। ये डाइट एक प्रपोर्शन बेस्ड डाइट होना चाहिए, आपको ये सारी चीज़ें खिलाने हैं। तो दोस्तों बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपका प्रपोर्शन अलग होना चाहिए, लाइक जो मेरे लिए सबसे बेस्ट वर्कआउट किया और जो इगुआना के डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए सबसे बेस्ट है वो है 45% लीव्स, मतलब आप जो उसको सर्व कर रहे हो उसमें से 45% पत्ते होने चाहिए। 40% आपको वेजिटेबल्स डालने हैं, जैसे आप या तो स्वीट पम्पकिन डाल सकते हो, जुकीनी डाल सकते हो, थोड़ा सा क्यूकम्बर, उनके बॉडी के वाटर लेवल को कॉन्स्टेंट रखने। ऐसा होना चाहिए 5% फ्रूट होना चाहिए और 10% फ्लावर होना चाहिए, क्योंकि फ्रूट्स में ऑक्सैलिक एसिड्स होते हैं, बट आप उन्हें फ्रूट्स खिला सकते हो बट बहुत कम। दोस्तों अब हम सबसे दूसरे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ बढ़ेंगे कि आपको आपके इगुआना को क्या नहीं खिलाना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप सोच रहे ये भी एक ग्रीन वेजिटेबल है हम इसे खिला देते हैं, तो वैसा नहीं होता है। आपको दोस्तों आपके इगुआना को पालक यानी स्पिनाच, ब्रोकली, कैबेज, ये वेजिटेबल्स नहीं खिलाने हैं, ये उनके लिए टॉक्सिक होता है। फ्रूट्स में आपको उन्हें बनाना नहीं खिलाना है, क्योंकि बनाना में प्रोटीन थोड़े ज्यादा होते हैं। और दोस्तों प्रोसेस्ड फूड कुछ भी नहीं देना उन्हें, मतलब जो इंसान की कंजम्पशन के लिए खाने बनते हैं वो आप उनको नहीं देना, क्योंकि वो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम के हिसाब से नहीं बनता है। और दोस्तों दूध तो बिल्कुल भी नहीं, दूध कोई भी रेप्टाइल के लिए अच्छा नहीं होता है। और दोस्तों बग्स और इंसेक्ट्स भी नहीं देना है। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए क्यों पसंद नहीं आई। मिलते हैं आपको ऐसे ही अगले वीडियो में।